हाय एवरीवन, कुरुमजरी नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो के लिए मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ग्रेवी वाली फिश करी की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कतला फिश 1 kg, और इसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा साइजेस में कट करवाई है। अब हम फिश को रेडी कर लेते हैं फ्राई करने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा नमक, साथ में 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर और 1/2 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे इसका रंग बहुत अच्छी आएगी फ्राई होने के बाद में। और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon मस्टर्ड ऑयल। इससे आपकी जो फिश है फ्राई होने के बाद एक्स्ट्रा क्रिस्पी होके रेडी बनेगा, तो वो बहुत अच्छा रहता है, आप ज़रूर से ऐड करिएगा। तो दोनों ही साइड मैंने मसालों को बहुत अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे रेस्ट करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी की चीज़ें भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिली और अदरक का एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 ग्रीन चिली, 1 inch अदरक ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, उसके बाद इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी ऐसे, और इसको मैं साइड में रख दूँगी अभी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टोमेटो और एक बड़ा साइज़ का टोमेटो लिया है। दोनों को रफली चॉप करके मैं मिक्सिंग जार में डाल दूँगी और इसका भी मैं एक फाइन प्योरे बना लूँगी। आज की जो रेसिपी है कतला माचर झोल के नाम से बहुत फेमस है। ये एक बंगाली रेसिपी है, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किए हैं तो ट्राई ज़रूर से करिएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भी छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम फिश को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल भी गरम कर लिया है, थोड़ा सा फैला भी लिया है। अब हम फिश के पीसेस को एक एक करके ऐड कर देंगे और इसको एकदम गोल्डन क्रिस्प ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, फिश को उलट पलट करके मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और सेम वे में मैं सेकेंड वाले बैच को भी फ्राई कर लूँगी। और इसी ऑयल में मैं बनाऊंगी करी। करी बनाने के लिए हमको लगेंगे पोटैटो। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का पोटैटो लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा छोटे साइज के वेजेस में कट करके रखे हैं। इसको मैं उसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करके। 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसी ऑयल में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1/4 teaspoon कलौंजी, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और कटा हुआ प्याज। प्याज को हम 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट, 1 pinch हींग ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे टोमेटो प्योरे और साथ में थोड़ा सा नमक और मिक्स कर देंगे अच्छे से, और 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हो 5 मिनट के बाद कुछ आपको ऐसी मिलेगी। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/2 teaspoon फिश करी मसाला, 1/2 teaspoon तीखे लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे और मसालों के साथ इसको फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी ऐड करी है, मिला लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम ऐड कर देंगे पोटैटोस और इसको ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक हमारे पोटैटोस भी सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं एक चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, पोटैटोस अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम डाल देंगे फिश जो हमने फ्राई करके रखे थे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे गरम मसाला 1/2 teaspoon और 1/2 teaspoon किचन किंग मसाला, मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
मसालों के साथ फिर से इसको 3 से 4 मिनट के लिए आप पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। फ्लेम हम रखेंगे लो मीडियम। फाइनली अब हम इसे गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया देकर। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कितना डिलीशियस लग रहा है। ये जितना दिखने में टेम्पटिंग लग रहा है उतना ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप इस रेसिपी को ट्राई एक बार ज़रूर से करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो। I'll see you in my next video. Till then, stay tuned. Bye-bye.